फ्रेंड्स, दिस इज स्मित भाटिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लैंडमार्क इमिग्रेशन एंड वीजा सक्सेस स्टोरीज. और बच्चों का भी यही क्वेश्चन होता है कि सर, जो मेरी प्रोफाइल थी बिल्कुल वैसे स्टूडेंट को आज आपने वीज़ा हैंडओवर किया, पर मुझे मल्टीपल रिफ्यूजल आ चुकी हैं, ऐसा क्यों? सो समटाइम्स इट इज़ सीन कि डिप्लोमा में बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल्स आ रही हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स को भी रिफ्यूजल्स आ रही हैं. सो उनको मैं गाइड करूँगा कि आपका रीज़न हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू गो इन डिप्लोमा. सो आपको अब मैं गाइड करूँगा कि आप बैचलर डिग्री में अप्लाई करें तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट बेटर हो सकता है. बट डिप्लोमा में भी वीज़ा आ सकता है, देखना पड़ेगा आपने सही डिप्लोमा लिया, सही सिटी ली या क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी असेसमेंट करनी पड़ेगी. सेकेंडली, प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे बैंड होने के बावजूद भी, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, उनमें कहूँगा कि बिल्कुल ना अप्लाई करें. स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करें, एक गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करें जहाँ पर आपका वीज़ा आ सकता है. थर्डली, बच्चे एक में 5.5 में, 2 में 5.5 पे भी अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि 1 में 5.5 बैंड वाले बच्चे अगर चांस लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही लें, अदरवाइज दे शुड नॉट अप्लाई इन अ प्राइवेट कॉलेज. उसके बाद अगर बात करते हैं तो सिटी कोर्स कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, सिटी कोर्स कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ध्यान से अपना सिटी कोर्स कॉलेज चूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहे. इसके बाद कंसल्टेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो आपकी फ़ाइल लगाने वाला है उसको कितना एक्सपीरियंस है, कैसे वो आपकी फ़ाइल पुटअप करेगा एम्बेसी में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. सो मेरे हिसाब से लैंडमार्क इमिग्रेशन एक आइडियल चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि हमको 15 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में. हमारे जो RCIC मेंबर हैं वो कनाडा बेस्ड हैं. आप अगर वीज़ा आ जाता है तो देर इज़ प्रॉपर सपोर्ट गिवन बाय लैंडमार्क टीम इन कनाडा आल्सो. और बहुत जल्दी लैंडमार्क इमिग्रेशन कनाडा में अपना ऑफिस भी लेके आएगा प्रॉपर, क्योंकि कोविड के बाद सारा वर्क फ्रॉम होम था. सो वर्क फ्रॉम होम के लिए इसके अलावा भी हम कनाडा में अपना ऑफिस लाएंगे जहाँ पे आप वॉक इन करके अपनी असेसमेंट करा सकेंगे. सो बहुत सारे लोग अभी कनाडा में भी हमारे से अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा और PR की गाइडेंस लेते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो एक जो जेन्युइन गाइडेंस है उसके साथ ही अप्लाई करें. और जो भी हम अपने फॉर्म्स में भर रहे हैं तो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत भरें. अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन भरते हो तो उसका आपको हर्जाना हो सकता है और इवन आपको बैन भी लग सकता है. और जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में भर रहे हैं, जो आपका इमिग्रेशन फॉर्म्स हैं, स्टडी वीज़ा फॉर्म, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, उस इन्फॉर्मेशन को 4 बार पढ़ें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी भर आपके मतलब आपकी हिस्ट्री पे चढ़ जाने वाली है और वो इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते. सो जो भी वीज़ा फॉर्म्स हैं वो आप 4 बार पढ़ें, बिल्कुल मिस्टेक ना करें. जो ऑनेस्टली आप उसके अंदर भरना चाहते हैं वही भरें, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ना भरें, ताकि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो सके. अगर अप्रूव नहीं भी होता है तो कल को भी आप अपनी रीफाइलिंग कर सकें और आप बैन से बचें. सो वंस अगेन आई विल टेल यू कैन वी हैव ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया, बैंगलोर, जम्मू, वडोदरा, उसके अलावा बठिंडा, अमृतसर, मोगा, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ एंड मोहाली. आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप 9041390412 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं info@landmarkimmigration.com पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स एंड द न्यू इन्फॉर्मेशन विल कम कीप ऑन कमिंग टू यू. थैंक यू सो मच.